तरह से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कर दी, हमारे एमएलए गिरफ्तार कर लिए। भ्रष्टाचार का जो के को हटाने के नाम पे केजरीवाल जो सत्ता में आए थे, अब उनके खुद भ्रष्टाचार इतना बड़ा नजर आ रहा है, तो उनको हटना चाहिए। फिर अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो आज इन्होंने हमारे 20 विधायक डिस्क्वालीफाई कर दिए। जो 20 विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, ये आम आदमी पार्टी के कुकर्मों का परिणाम है। ऊपर वाले को पता था 3 साल बाद ये 20 डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। इतने दे दो इनको। साल 2015 में सरकार बनने के बाद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा। सियासत की बाजी में 20 विकेट क्या गिरे, केजरीवाल जनता की अदालत में बिना देर किए हाजिर हो गए। दिल्ली के नजफगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और संवैधानिक संस्थाओं के बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। हमारी सारी फाइलें मंगा के, 2 साल की 400 फाइलें मंगा के एलजी साहब ने 4 महीने तक 20 अफसर बिठा दिए कि कुछ तो निकालो, कुछ नहीं मिला इनको, कुछ नहीं मिला। फिर अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो आज इन्होंने हमारे 20 विधायक डिस्क्वालीफाई कर दिए। चुनाव आयोग के फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। संसदीय सचिव के मामले में 20 विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई। अब केजरीवाल सरकार को सिर्फ न्यायपालिका से ही उम्मीद है। 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। लेकिन अब जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति के ताजा फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट में भी नई याचिका दाखिल करनी होगी। आपको नई याचिका इसलिए देनी होगी क्योंकि पुरानी याचिका में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग थी। अब उन्हें राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करनी होगी। अभी जो भी दरवाजे खुले हैं इस लोकतंत्र में, न्यायालय का दरवाजा हम खटखटाएंगे। सोमवार को हम अदालत में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। अब हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। काटजू ने लिखा, आजादी के बाद अब तक अलग अलग राज्यों में 9,500 से ज्यादा संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। चुनाव आयोग ने सिर्फ 455 को नोटिस दिए। हाईकोर्ट ने 100 याचिकाएं खारिज की, लेकिन ये पहली बार कि किसी विधायक को अयोग्य करार दिया गया है। शुद्ध राजनीतिक द्वेष। विधायकों पर राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन बयानों से तो यही लग रहा है कि तीनों ही पार्टियों ने 20 सीटों पर चुनाव के लिए कमर कस ली है। केजरीवाल ने भी इशारों में इसके संकेत दे दिए। तो दोस्तों, यही भरोसा बनाए रखना, एकता बनाए रखना, एकजुट रहना। मुझे पूरा यकीन है आज इन्होंने करें या जो भी करें, ये लोग करते रहेंगे। ऊपर वाला देख रहा है, जनता देख रही है, जनता जनार्दन है। न्याय जरूर मिलेगा, अंत पंत में जीत सच्चाई की होती है। उधर बीजेपी और कांग्रेस भी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। दोनों ही वापसी के लिए बेताब हैं। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के चेहरे की हंसी सब कुछ कह जा रही है। देखिए, जब आपने ही 4 दे दी है तो हमारी इससे डबल जरूर आएंगी, और जो है आपने जब 4 हमारे को दे दी, हम ये कह सकते हैं कि हम जो है इसमें सबसे ज्यादा सीट्स लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है इसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स हमारी कांग्रेस पार्टी की आएंगी। 20 महीना पहले आता तो आज राज्यसभा में ऐसी खरीद फरोख्त अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाता। उनके 3 जो सीटें गई उनमें से मुश्किल से 1.5 जाते जाते इनको परेशानी होती। एक हाईकोर्ट ही आम आदमी पार्टी का आखिरी सहारा है, वरना विरोधी तो 20 सीटों में सेंधमारी के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो दिल्ली की 20 सीटों पर अगले 6 महीने में चुनाव तय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।